चाय के साथ खाने वाले रस तो आप सभी के फेवरेट होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि रस फैक्ट्री लेवल पर कैसे तैयार किया जाता है? आज मैं आपको लेके आ गई हूँ चांद बेकरी में, जहाँ पे कि मशीनों द्वारा रस तैयार किए जाते हैं। सो कैसी होने वाली इसकी यूनिक मेकिंग और क्या है इसका टेस्ट, चलिए देखते हैं। 14 किलो चीनी डलेगी इसके अंदर पहले, और उसके बाद पानी डलेगा और दोनों को मिक्स किया जाएगा। और मैदा कितना डलेगा? मैदा डलेगी 40 किलो। अच्छा, पहले यहाँ पे चीनी डाली जा रही है जी। तो ये 14 किलो चीनी है। 14 किलो चीनी। अच्छा, मिक्सर में डाल दिए जी। पानी डल रहा है इसमें, कितना पानी डाला जाएगा, कोई हिसाब होता है इसका? कम से कम 25 के आसपास पानी डलेगा, 25 लीटर के करीब। तो मिक्स किया जा रहा है चीनी, और ये मतलब चीनी घोली जा रही है। तो इसको हाथों से मिक्स करा जाता है? जी, हाथों से ही होएगा। वैसे मशीन चलाएंगे तो हम छींटे आएंगी दूर, मतलब कपड़ों पे। मतलब ये यहाँ पे क्या डल रहा है? ये ईस्ट बोलते हैं इसे, खमीरा होता है। इसके बाद घी डल रहा है। कितना मिला जाएगा इसमें? इसके अंदर डलेगा 14 किलो घी डलेगा, 14 किलो घी डलेगा, और ऊपर से 2 किलो चीनी। बाद में मतलब खमीर जब तैयार रेडी होने के बाद 2 किलो घी और 2 किलो चीनी एक्स्ट्रा से डलेगी। यहाँ पे देख सकते हो कि 50 किलो का कट्टा हमारा जो है वो खुल रहा है, और इसमें से 40 किलो डलने वाला है। तो यहाँ पे मैदा डालना? जी, मैदा डालना स्टार्ट हो गया। ये सारी मैदा डालेगा इसके अंदर पूरा। 10 किलो इसने निकाल दी, 40 किलो बची इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या करा जा रहा है? मिक्सर स्टार्ट हो गया। ये मशीन चालू होगी इस टाइम। तो यहाँ पे मशीन बहुत ही अच्छे तरीके से फेटना शुरू कर दिया है, और देख सकते हैं कि मशीन का जो तरीका है फेटने का वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मजेदार है, बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पे फेटा जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो मशीन है उसने फेटना शुरू कर दिया है। कितना टाइम लगेगा इसे टोटल मिक्स होने में? बस होने वाला है ये 5-10 मिनट, 5 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट बन के रेडी हो जाएगा ये। तो भैया मुझे बताइए, इसे हाथों की मदद से मिक्स किया जाता है, कभी हाथों में चोट नहीं लगती? जी नहीं, वो रोज का काम है उनका। ये हाँ, आप डन हो गया अभी। इसको तैयार होने में, रेडी होने में कम से कम 2.5 घंटे करीब लगेंगे। भैया इसको ढका क्यों जा रहा है? जो मतलब ईस्ट डाली है ना हमने, उसकी मदद से ये थोड़ा मतलब खमीर उठता है ढकने की वजह से। तो मुझे बताइए भैया अभी क्या हो रहा है इसमें? ये अभी मतलब ये रेडी होने के लिए जा रहा है अभी। इसके अंदर अभी इसकी फिटाई क्यों करी जा रही है? फिटाई करी जाती है, 2 बार होती है इसकी फिटाई, 1 बार हाफ होती है, अब दोबारा रेडी होने के लिए अभी ये जा रहा है। जी ये इलायची अभी ये रस के अंदर डलेगी, जो ये खमीर फिट रहा है ना। ये इलायची डालने से क्या होता है? इलायची डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। इसका स्वाद बढ़ जाता है तो इसको पीस के डाला जाएगा? हाँ जी, वो पीस के डाला जाता है। और भैया इसको कितनी क्वांटिटी में डाला जाएगा? सारा ही डल जाएगा? जी ये जितना भी इसने पीसा है सारा डल जाएगा इसके अंदर। अच्छा, तो ये यहाँ पे डल रहा है इसमें, अब घी डालेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे इस पे घी डालना शुरू हो गया है जी। और बहुत ही सावधानी से फिटाई करी जाती है, मतलब हाथों में चोट लगने का भी पूरा प्रॉपर खतरा है, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस इतना अच्छा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी लोई तैयार हुई थी उसको लेके आ गए हैं। जो मिक्सर है वो बिल्कुल देख सकते हो कितना अच्छा उसमें खमीर उठ गया है, बिल्कुल रेडी हो गया अभी बनने के लिए। तो इसका वेट क्यों करा जाएगा यहाँ पे? वेट के हिसाब से पूरे मतलब बराबर आते हैं। अच्छा, और ये हाथों की मदद से इसको लंबा करके यहाँ पे सांचे में रखा जा रहा है। एक सांचे में ये कितने खाने हैं? ये 4 खाने हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो हमारा चलता जा रहा है, रिपीटेड प्रोसेस है। हाथों से लोइयां बनाई जा रही है, उनको सांचों में भरा जा रहा है। तो सारा प्रोसेस ये हाथों से ही होने वाला है। हाथों से क्यों फैलाया जा रहा है? जी ये हाथों से इसलिए फैलाया जा रहा है कि पूरी प्रॉपर इकसार हो जाए। अभी ये जो व्हाइट मैदा दिख रहा है इसके मजेदार वाले करारे रस्क बनने वाले हैं जी। ये मतलब होता कैसे है, ये चेंज कैसे हो जाता है? ओवन के अंदर जाएगा तो कलर आ जाएगा उसके अंदर, सिक जाएगा मतलब पूरी तरीके से करारे हो जाए। जब बिल्कुल जब बाहर निकलता है तो आपको ब्रेड जैसा लगेगा। जी जी बिल्कुल। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? जी ये रस तैयार हो रहे हैं इस टाइम। तो यहाँ पे ट्रे लग गई है, ठीक है, ट्रे में सारे के सारे हाथ से फैला दिए हैं। जी जी। और हाथों से फैलाने के बाद अब ये ट्रॉली में लगने जा रहे हैं जी। तो ट्रॉली में लगाने के बाद हम इसे ओवन में डालेंगे, और ओवन में कितना टाइम रखना होगा? 20 मिनट। तो अब ये अब क्या हो रहा है? ये अंदर जाएगा ओवन में। अच्छा, ओवन में जा रहा है सीखने के लिए, ठीक है। ये इस तरीके के बन गए मतलब। आप बताइए ये ओवन से निकल के बिल्कुल तैयार हो गए? जी जी बिल्कुल। तो ये ऐसे दिखते हैं, हाफ डन है। दिखा दोगे आप मुझे? तो अब इसकी कटिंग होगी? ये अभी इसकी हाफ डन है, ये कटिंग होगी फिर दोबारा जाएंगे। तो ये इस तरह का कुछ ब्रेड जैसा दिखता है? ये ब्रेड की तरह ही बनता है पहले। वो रस का प्राइस क्या रहता है? रस हमारे 160 रुपए केजी है। तो ये देखा है कि यहाँ पे क्वालिटी पूरी मिलती है और प्राइस भी बहुत जायज है। क्वालिटी बहुत अच्छी है जी हमारी, और ताजा बनता है रोज। जी डेली बनता है।
जी सारा मशीन से ही होता है यहाँ जितना काम। तो मतलब मैंने देखा है कि हाथों का कम से कम इस्तेमाल हो रहा है। जी कम से कम, मतलब इसको बनाने में थोड़ा सा हाथ का इस्तेमाल होता है, बाकी सारा काम मशीनों से होता है। साफ सफाई हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मतलब बिल्कुल भी थोड़ी सी भी मतलब वो नहीं कर सकता कोई गंदगी वगैरह, बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रस्क है ना वो कट चुके हैं, कटिंग पूरी हो गई है और यहाँ पे इनको ट्रे पे लगाया जा रहा है और ट्रे पे लगाने के बाद इनको ट्रॉली में सेट करा जा रहा है। पूरी की पूरी ट्रॉली यहाँ पे भरी जा रही है। तो यहाँ पे ट्रॉली तैयार करी जा रही है ताकि वापस ये अवन में जा सके और अवन में जाने के बाद इनकी बहुत अच्छी तरीके से सिकाई हो सके। तो यहाँ पे इनको फुल डन करा जा रहा है। ट्रॉली को आप देख सकते हो कि अवन के अंदर डाला जा रहा है और अवन के अंदर डालने के बाद यहाँ पे टाइमर सेट कर दिया है। ट्रॉली अंदर से पूरी घूम रही है ताकि रस जो है हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हो जाए। यहाँ पे जो ट्रॉली है वो अवन से बाहर आ गई है, रेडी हो गया है। कितना टाइम लगा इसको रेडी होने में? 40 मिनट के करीब। तो पूरा दिन बिकते रहते हैं ये? जी पूरा दिन, कोई ना कोई आके जी परचेजिंग करता रहता है। तो ये कितने साल पुरानी दुकान है? 8-10 साल के करीब हो गए। 8-10 साल पुरानी दुकान जी। तो मुझे बताइए अभी ये बिल्कुल गर्म होगा? बिल्कुल अभी गर्म निकला है। तो इनका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, वो कैसे? एकदम रेडी हो चुका है और अभी ये थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा, फिर बिकना चालू हो जाएगा। तो उसको कितनी देर ठंडा किया जाएगा? बस आप खुद ही हो जाएगा अपने आप ही ठंडा बाहर निकलने के बाद। 10-15 मिनट लगेंगे? हाँ जी। तो मुझे बता दो सबसे ज्यादा फेमस क्या क्या है यहाँ पे? सबसे ज्यादा फेमस हमारे पास रस है और दूसरा ये फैन है। ये होता है फैन? जी है, ये फैन होता है और ये होती है मरोड़ी। मरोड़ी जी फैन बोलते हैं, फैन की तरह भी होती है ये भी। डिजाइन अलग होता है? डिजाइन अलग है। और ये होते हैं समोसे फैन वाले और ये होते हैं बड़े फैन। अच्छा ये बड़े फैन होते हैं जी। ये वाला साइज बड़ा होता है हमारे पास। रेट लेकिन सेम रहने वाला? सेम रेट है। तो मुझे बताइए कि अगर किसी को यहाँ पे आना है और यहाँ पे ये बेकरी के मजेदार प्रोडक्ट्स खाने हैं तो कैसे आ सकता है? जी ये होसकाजी मेट्रो है, सीधा आऊंगे यहाँ, लाल दरवाजा मशहूर है ये। और यहाँ पे ये चांद बेकरी है हमारी, एक ही बेकरी है। और टाइमिंग बता दो एक बार दुकान की। दुकान की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक।